गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अंकिता जी। गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग पारुल जी। आ जाइए सभी। जी ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू दिस सर्वोची क्लासेस। माई सेल्फ गौरव गर्ग। आज जो हम करवाने जा रहे हैं बच्चों, आज का टॉपिक है फाइलम सिलेंट्रेटा, या आप उसको दूसरा कह सकते हैं, दूसरा नाम है नाइडेरिया। आई होप जो पहले वाला फाइलम था पोरीफेरा, आप लोगों ने अच्छे से कर लिया है। जो नए स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दें कि ये जो टॉपिक है फाइलम पोरीफेरा, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको कर सकते हैं। ठीक है, हमारा वही कॉन्सेप्ट रहेगा कि बेसिक से स्टार्ट करना है और एडवांस लेवल तक जाना है। ठीक है, स्टार्ट करें हमारा टॉपिक। कोई भी डाउट हो पूछने में हेजिटेट नहीं करना है, कोई भी सिंगल डाउट हो तो भी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक फाइलम सिलेंट्रेटा। सबसे पहले हम चलते हैं हमारे जहां हमने पहली बार सिलेंट्रेटा का नाम सुना था, हमारी नाइन्थ क्लास में। नाइन्थ क्लास में कौन से चैप्टर में हमने नाम सुना था? डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले हमने फाइलम सिलेंट्रेटा का नाम सुना था। तो हमारी नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी क्या कहती है? बेस से स्टार्ट कर रहे हैं कि जो सिलेंट्रेटा वाले एनिमल्स हैं कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं। ठीक है, और उनकी बॉडी जो है वो मोर डिफरेंशिएशन है उनके डिज़ाइन में। जैसे कि हमने पढ़ा था स्पॉन्जिस जो हैं, पोरीफेरा जो है फाइलम पहला सबसे प्रीमिटिव फाइनल फाइलम है एनिमल्स का, उनके अंदर बॉडी पार्ट्स का डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। लेकिन जो सिलेंट्रेटा है उनके अंदर कुछ कुछ डिफरेंशिएशन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर एक बॉडी कैविटी प्रेजेंट है और जो उसकी बॉडी है सिलेंट्रेटा की वो बनी हुई है दो लेयर ऑफ सेल से, टू लेयर ऑफ सेल। देखिए ये रही टू लेयर ऑफ सेल। जो आउटर लेयर है वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी है। ठीक है, बाहरी जो लेयर है उसको क्या कहते हैं हम? एपिडर्मिस। यहां आपको फिगर में भी एक बार आपको शो कर देते हैं। ये रहे हमारे सिलेंट्रेटा के कुछ एग्जाम्पल जो नाइन्थ क्लास में दिए गए हैं। इस फिगर पर आप थोड़ा सा फोकस कीजिए, क्या हो रहा है? ये जो बाहरी लेयर है सेल की, इसको क्या कहा गया है? एपिडर्मिस। और जो अंदर की लेयर है, ये वाली लेयर जो है इस तरह, इसको कहा गया है गैस्ट्रोडर्मिस, या आप कह सकते हैं एंडोडर्मिस। और इन दोनों लेयर के बीच में है मेसोगिलिया, जो कि सेल की नहीं है, इसीलिए हम इसको दो लेयर ऑफ सेल कहते हैं, तीन लेयर नहीं है। मेसोगिलिया कोई भी सेल की लेयर नहीं है, ये एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में
पड़ा हुआ है, सेल जरूर है लेकिन एक लेयर के रूप में यहां पर नहीं है। चलिए देखते हैं और क्या कह रही है हमारी नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी। लीव्स इन कॉलोनीज, जो नाइडेरियन है वो कॉलोनी के रूप में भी रहते हैं, एग्जाम्पल है कोरल्स, और अकेले भी पड़े होते हैं जैसे कि हाइड्रा, जेलीफिश और सी एनीमोनी इसके कॉमन एग्जाम्पल है। बस हमारे पास नाइन्थ क्लास में इतना ही दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, कुछ बातें पता चली है हमें सिलेंट्रेटा के बारे में, क्या क्या कि वो पानी में रहते हैं, उनकी जो बॉडी है वो कुछ डिफरेंशिएशन है, उसके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, दो लेयर ऑफ सेल से बनी हुई है, बाहरी लेयर ऑफ सेल को क्या कहते हैं एपिडर्मिस, और जो अंदर वाली लेयर है उसको कहते हैं गैस्ट्रोडर्मिस या एंडोडर्मिस, आप दोनों कह सकते हैं, ठीक है। कॉलोनी में भी रह सकते हैं, यानी कि काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म इकट्ठे होकर के रह सकते हैं, एग्जाम्पल क्या है कोरल्स, और कुछ हैं जो अकेले भी रह सकते हैं जैसे कि हाइड्रा। एग्जाम्पल याद रखने बहुत ज़रूरी हैं, जेलीफिश और सी एनीमनी यहाँ पर दिया गया है। ये बात थी हमारी नाइन्थ क्लास की, शायद आपको ये टॉपिक रिकॉल हो गया है क्योंकि आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब जो हम करने जा रहे हैं इसके बारे में कुछ और जान रहे हैं, क्या प्लस वन की एनसीईआरटी पर चलते हैं। ठीक है, तो लेकिन सबसे पहले जो हम करेंगे हमारे इन फाइलम्स का सीक्वेंस याद। अगर आपको सीक्वेंस याद हो गया है, ये जो सीक्वेंस है 11 फाइलम का सीक्वेंस याद हो गया है, तो आपको एनिमल किंगडम करने में बहुत आसानी हो जाएगी। जो क्वेश्चन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से आएंगे वो इजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे। ये 11 फाइलम आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से हैं? फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया कह सकते हैं, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमेंथिस, एस्केहेलमेंथिस, एनेलिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा। ये 11 फाइलम का सीक्वेंस आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए, जो हमने सिलेंट्रेटा में या नाइडेरिया में करना है या सब फाइलम में बेसिकली जो करना है वो क्या क्या है, सबसे पहले हम उसके हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे, बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, बॉडी प्लान कैसा है, सिमेट्री क्या है, जर्म लेयर क्या है, कितनी है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सिलोम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन, स्केल्टन, सर्कुलेटरी, नर्वस, रिप्रोडक्शन, साथ ही साथ कुछ क्लासिफिकेशन है किसी में तो वो भी करेंगे, और क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है एनिमल किंगडम में, क्वेश्चन बहुत बनते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हैबिटेट से। हैबिटेट नाइन्थ क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि पानी में रहते हैं तो एक्वेटिक हैं, और मोस्टली मैराइन है, यानी कि पानी में तो रहते हैं लेकिन ज़्यादातर समुन्दर में रहते हैं। फ्रेश वाटर वाले जो सिलेंट्रेट्स हैं वो बहुत कम है। ये देखिए फर्स्ट लाइन ही हमारी एनसीईआरटी की कह रही है एक्वेटिक मोस्टली मैराइन। मोस्टली मैराइन एक्वेटिक है और ज़्यादातर जो है समुन्दर में रहते हैं, और फ्रेश वाटर वाले कुछ कम है। कुछ
प्रॉब्लम आ रही है शायद। क्या आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है नेट से रिलेटेड? नहीं, शायद नहीं। ओके, चलिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हैबिटेट हमें पता चल चुका है कि सिलेंटेट्स कहां रहते हैं। नेक्स्ट, बॉडी स्ट्रक्चर। जो बॉडीज है वो किस टाइप से है? कोई प्रॉब्लम नहीं। जो सिलेंट्रेट्स हैं, जो नाइडेरियंस हैं, वो कह सकते हैं दो टाइप से हो सकते हैं उनकी बॉडी। फर्स्ट, पॉलिप, या तो वो पॉलिप फॉर्म में होंगे या वो मेडुसा फॉर्म में होंगे। इनकी क्या क्वालिटीज हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। जो पॉलिप फॉर्म में है, जो भी नाइडेरियंस हैं जो पॉलिप फॉर्म में है, उनकी बॉडी कैसी होगी? सिलेंड्रिकल। उनकी बॉडी सिलेंडर के लाइक होगी और फिक्स्ड होगी, यानी कि वो किसी ना किसी सबस्ट्रेट से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या नेट में? ओके, नहीं आ रही। ठीक है, यहां कुछ थोड़ा सा था। चलिए, कोई बात नहीं। क्या बात कर रहे थे हम? जो नाइटेरियंस हैं वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। पहली फॉर्म क्या है? पॉलिप फॉर्म, और दूसरी क्या है? मेडुसा। जो पॉलिप फॉर्म है वो किस तरह की होगी? वो हमारी होगी सिलेंड्रिकल बॉडी होगी उसकी, और साथ ही साथ वो फिक्स्ड होगा। क्या होगा? फिक्स्ड होगा सबस्ट्रेट के साथ, और या वो अकेला रहेगा या वो कॉलोनी के रूप में भी रह सकते हैं। लेकिन मेडुसा जो फॉर्म है, मेडुसा फॉर्म में जो एनिमल्स रहेंगे उनकी शेप होगी अम्ब्रेला जैसी, जैसे अम्ब्रेला होता है ना, छतरी जैसी, और वो फ्री स्विमिंग होंगे, मूव कर सकेंगे, इधर से उधर मूव कर सकेंगे, स्विम कर सकेंगे। और लेकिन एक बात ये है कि वो हमेशा अकेले ही रहेंगे, अकेले ही स्विम करेंगे, कॉलोनी के रूप में नहीं होंगे वो। ठीक है, समझ में आ रही है? दो फॉर्म है, पॉलिप फॉर्म में होगा या मेडुसा फॉर्म में होगा। पॉलिप फॉर्म में जो भी सिलेंट्रेट होगा उसकी बॉडी कैसी होगी? सिलेंड्रिकल बॉडी होगी और वो फिक्स होगा। और जो मेडुसा है उसकी बॉडी कैसी होगी? अम्ब्रेला, और वो हमेशा फ्री स्विमिंग होगा, फिक्स नहीं होगा। एग्जाम्पल याद रखने बहुत जरूरी है। हाइड्रा और एडम्सिया जो है वो एग्जाम्पल है हमारे पॉलिप फॉर्म के, और जो जेलीफिश है वो कैसी है? वो मेडुसा फॉर्म है। देखिए, आपके लिए डायग्राम भी दिखा रहे हैं हम। ये देखिए, ये जो है फिक्स फॉर्म है, ये है हमारी हाइड्रा। क्या है? हाइड्रा। ये यहां सबस्ट्रेटम के साथ अटैच है, सिलेंड्रिकल बॉडी जैसी है। ये है एडम्सिया, सी एनिमनी जिसको हम बोलते हैं, ये भी अटैच है सबस्ट्रेट के साथ यहां पर, देखिए। और बॉडी कैसी है इनकी? सिलेंडर लाइक बॉडी है। लेकिन ये है हमारी अम्ब्रेला लाइक बॉडी। ये देखिए, जेलीफिश जो है अम्ब्रेला लाइक बॉडी है, और ये अकेली ही मूव करती रहती है। समझ में आ गया? क्योंकि सिलेंट्रेट्स का ये एक की फीचर है, इसलिए हम इस पे थोड़ा सा आपको जोर दे रहे हैं समझने के लिए। पॉलिप और मेडुसा दो फॉर्म्स हैं
देखिए एनसीईआरटी में हमें इसके बारे में क्या कहा गया है। नाइडेरियंस एग्जिबिट्स टू बॉडी बेसिक बॉडी फॉर्म्स पॉलिप और मेडूसा। नाइडेरियंस दो फॉर्म रखते हैं, पॉलिप और मेडूसा। जो पहले वाली है फॉर्मर यानी कि पॉलिप, पॉलिप सेसाइल होती है, स्थिर होती है, मूव नहीं कर सकती, फिक्स्ड होती है और उनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है। एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर हाइड्रा और एडम्सिया दिए हुए हैं, याद रखना है। नीट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पॉलिप फॉर्म के जो हैं, पॉलिप फॉर्म के एग्जाम्पल कौन से हैं या मेडूसा फॉर्म का एग्जाम्पल कौन सा है। ठीक है, तो हाइड्रा और एडम्सिया जो हैं वो पॉलिप फॉर्म के एग्जाम्पल हैं। और बाकी बात करते हैं मेडूसा फॉर्म की, जो लेटर है वो अम्ब्रेला शेप की है, यानी कि मेडूसा जो है अम्ब्रेला शेप है, फ्री स्विमिंग है, एग्जाम्पल ओरेला या जेली फिश। इनके साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम दोनों ही आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, ये बात आ गई है हमारे बॉडी फॉर्म की, आप लोगों को समझ में आ गया है। कोई डाउट, कोई भी डाउट हो तो पूछने में हेजिटेट नहीं करना है। चलें नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं बॉडी प्लान की। बॉडी प्लान हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में तीन टाइप के बॉडी प्लान्स को पढ़ा था, कौन कौन सा, सेल एग्रीगेशन, दूसरा था ब्लाइंड सैक और तीसरा था ट्यूब विद इन ट्यूब। ठीक है, सेल एग्रीगेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, फाइलम पोरीफेरा में ही आता है, वहीं पर है। और अब बात करते हैं ब्लाइंड सैक की और ट्यूब विद इन ट्यूब। ठीक है, तो जो कैविटी प्रेजेंट है, ये देखिए ये हमारे पास हाइड्रा है, हाइड्रा में ये पोर्शन जो है ये इसका माउथ दिखाया गया है और ये जो पोर्शन दिखाया गया है ये इसकी सेंट्रल कैविटी को दिखाया गया है। ठीक है, तो क्या होता है, फूड एंटर किया, यहां से फूड एंटर किया, लेकिन क्या यहां पर कोई दूसरी ट्यूब है जिसके थ्रू फूड बाहर निकल सकता है? नहीं, यहां ये एक डेड एंड है, अंधा कुआं है। यहां पर जो है, यहां पर फूड निकलने के लिए कोई दूसरी ट्यूब नहीं है, तो जो वेस्ट मटेरियल है वो यहीं से थ्रू माउथ ही बाहर निकलेगा। जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग हैं, तो हम अपना खाना जो है माउथ से खाते हैं और वेस्ट जो है हमारा एनस के थ्रू बाहर निकलता है। लेकिन लेकिन जो नाइडेरियंस हैं उनके पास ये सिस्टम नहीं है, यानी कि ट्यूब विद इन ट्यूब ऑप्शन नहीं है। इनका जो बॉडी प्लान है वो ब्लाइंड सैक है, अंधा कुआं है। इनका मतलब यही है कि जो इनटेक और आउटटेक के लिए एक ही ओपनिंग है माउथ। समझ में आ गई? अगर आपसे कोई पूछता है कि नाइडेरियंस के अंदर कैसा बॉडी प्लान है तो आपका आंसर होगा ब्लाइंड सैक। समझ में आ गई? चले नेक्स्ट। चलिए सॉरी अब बात करते हैं सिमेट्री के।
दो टाइप की सिमिट्री हमने पढ़ी थी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में, कौन कौन सी, रेडियल और बाइलेटरल। तो यहां पर यानी कि नाइडेरियंस के अंदर कौन सी सिमिट्री है, ये देखिए, ये आपको सी एनी मनी और ये है हमारा हाइड्रा। इसकी जो ये सेंट्रल एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस ये आपको दिखाई दे रही है, सेंट्रल एक्सिस के अंदर से प्लेन पास करने पर, इस तरफ से भी प्लेन पास करने पर ये जो है दो इक्वल भागों में बट रहा है, दो इक्वल भागों में डिवाइड हो रहा है। तो यहां हम इसको कहेंगे कि जब एक से ज्यादा प्लेन सेंटर एक्सिस से पास होने पर ऑर्गेनिजम्स को दो इक्वल भागों में डिवाइड कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम, रेडियल सिमिट्री। कौन सी सिमिट्री है इसके अंदर, रेडियल सिमिट्री। ये देखिए, ये गमले रखे हुए हैं ना, तो यहां पर आपको दिख रहा है कि इनकी बॉडी इसी तरह है और इस तरह से इनके अंदर कौन सी सिमिट्री शो हो रही है, रेडियल सिमिट्री शो हो रही है। एनसीईआरटी क्या कहती है, चलिए एक बार एनसीईआरटी पर चलते हैं। एक्वेटिक मोस्टली मैराइन ससाइल हो सकते हैं या फ्री स्विमिंग हो सकते हैं और रेडियल सिमिट्री, ये देखिए रेडियल सिमिट्री लिख रखा है ना, समझ में आ गई रेडियल सिमिट्री। ये यहां पर ये दोनों ही फॉर्म्स शो की गई है, इस फिगर के बारे में बात नहीं की गई थी। क्या है देखिए, ये मेडुसा फॉर्म शो की गई है अम्ब्रेला लाइक, और ये है हमारा सी एनीमनी सिलेंडर लाइक बॉडी है। तो ये पॉलीफोम, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन ना हो जाए, देखिए मेडुसा एंड पॉलीफोम, अम्ब्रेला लाइक, फ्री स्विमिंग, सेसाइल, सिलेंड्रिकल फॉर्म। चलिए सिमिट्री की बात हो चुकी है, अब बात करते हैं जर्म लेयर। नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी में भी हमने ये पढ़ा था कि दो लेयर हैं सेल की, कौन कौन सी दो लेयर हैं, कौन कौन सी थी, पहली लेयर आउटर लेयर, एपिडर्मिस, और सेकेंड लेयर जो है वो है एंडोडर्मिस। चलिए, ये जो आपको ये मेडुसा और पॉलीफोम है, जब भी हम अब नाइडेरियंस की बात करेंगे तो दोनों ही फोम को कंसीडर करेंगे मोस्टली, कि मेडुसा फॉर्म में और हाइड्रा जो पॉलीफॉर्म है उनमें किस तरह से है। ये जो रेड कलर की आपको आउटर लाइन दिखाई दे रही है या लेयर दिखाई दे रही है, ये है हमारी एपिडर्मिस। क्या है, रेड कलर की जो आउटर लाइन है वो है हमारी एपिडर्मिस यानी कि फर्स्ट लेयर, और जो ये हमारी ब्लू कलर की लाइनिंग आपको दिखाई दे रही है ये कौन सी है, एंडोडर्मिस। दो लेयर हो गई है, अब इन दोनों लेयर के बीच में जो ये स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन कलर का हम आपको डिनोट कर रहे हैं, ये ब्लू और रेड के बीच में जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, और इसमें देखिए ये लाइनिंग हम दिस, ये कौन सा स्पेस है, ये जेली फील्ड स्पेस है। यहाँ कोई भी सेल की लेयर नहीं है, हम क्या इंडिकेशन कर रहे हैं, सेल की लेयर नहीं है, सेल पड़े हुए होते हैं लेकिन फ्रीली, कोई लेयर के रूप में नहीं है। और वो भी सो जो सेल आते हैं
वो इन दोनों लेयर से ही आते हैं बन करके। यहाँ कोई इनकी जर्म डेवलपमेंट के दौरान कोई भी लेयर नहीं बनती है। तो इस टाइप का जो ऑर्गेनिज्म होता है उनको हम क्या कहते हैं, जहां पर दो लेयर ही प्रेजेंट हो, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। तो यहां पर ये रेड और ब्लू कलर में जो लेयर्स हैं ये एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस शो की गई हैं। चलिए नेक्स्ट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहां टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होती हैं। जो सेल हैं वो आपस में मिल करके फंक्शन करती हैं तो टिश्यू फॉर्म करती हैं, लेकिन इतने डेवलप नहीं हुए हैं कि टिश्यूज आपस में फॉर्म करके कोई ऑर्गन बना सके। तो यहाँ जो सिस्टम है वो है हमारा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसको एनसीईआरटी में कहाँ दिया गया है ये भी आपको दिखा देते हैं। नाइडेरियन एग्जिबिट्स टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डिप्लोब्लास्टिक, याद रखेंगे। ये सब हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में डिटेल में कर चुके हैं कि डिप्लोब्लास्टिक क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। यहां पर आपको हर फाइलम के साथ ये चीज याद रखनी होगी कि इनके अंदर कौन सा जर्म लेयर है या सिलोम है या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये चीजें आपको याद रखनी है। और थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन हम यहां पर आपको कर भी रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, सिलोम। सिलोम क्या है, काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है। सिलोम को हम क्या कहते हैं, बॉडी कैविटी भी कहते हैं, खाली स्पेस। तो क्या इसके अंदर सिलोम है या बॉडी कैविटी है, जल्दी से इस बात को समझिए कि जो यहां पर सिलोम की हम बात कर रहे हैं या बॉडी कैविटी की बात कर रहे हैं, वो कैविटी जो कि जर्म्स लेयर के बीच में हो, यानी कि एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस जो जर्म लेयर हैं उनके बीच में जो कैविटी हैं, उनके बेसिस पर उस कैविटी को यहाँ पर एक बेस रखा गया है क्लासिफिकेशन का। बॉडी कैविटी जरूर प्रेजेंट है, बॉडी कैविटी हमारी, हमने ये देखिए इस डायग्राम में। अब आप कहेंगे सर इसमें ये कैविटी तो प्रेजेंट है, आप कैसे कह सकते हैं ये कैविटी तो प्रेजेंट है, लेकिन जब हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सिलोम को कंसीडर करते हैं तो हम ये कैविटी कंसीडर नहीं करते हैं। प्यारे बच्चों समझो इस बात को, जो हम कंसीडर करते हैं वो यहां पर एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में अगर कैविटी प्रेजेंट है उसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। सिलोम में हमने तीन टाइप से पढ़े थे, तीन टाइप से ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। एनिमल ऑर्गेनिजम्स जो है एनिमल किंगडम में तीन टाइप से हो सकते हैं, या तो वो एसिलोमेट होंगे या सुडोसिलोमेट होंगे या सिलोमेट होंगे।
यानी कि या तो उनके कैविटी होगी ही नहीं, या होगी तो वो फॉल्स कैविटी होगी और या फिर ट्रू कैविटी होगी। तो जो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम सिलोम की या बॉडी कैविटी की, जो कि नाइडेरियंस में नहीं होती, नहीं होती, क्योंकि जो जर्म्स लेयर हैं यानी कि एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में मीजोगिलिया है, जेली लाइक सब्सटेंस है, यहाँ कैविटी कोई भी खाली जगह नहीं है। ये देखिए, वापस हम उस डायग्राम पर चलते हैं। ये देखिए, एपिडर्मिस रेड कलर में, एंडोडर्मिस ब्लू कलर में, और इनके बीच का जो ये स्पेस है ये किससे भरा हुआ है? मीजोगिलिया से, जेली लाइक सब्सटेंस से भरा हुआ है। इनके बीच में कोई भी कैविटी नहीं है, इसीलिए हम यहां कह सकते हैं कि बॉडी कैविटी अब्सेंट है, एसिलोमेटेन सिलेंट्रेट्स। समझ में आ गई? अब कोई डाउट हो इस सिलोम को लेकर के तो आप बच्चों हमसे पूछ सकते हैं। काफी बच्चों को, काफी स्टूडेंट्स को डाउट था पोरीफेरा में जब हमने पढ़ाया था कि सर वहां स्पॉन्जोसील है, बॉडी कैविटी तो है, लेकिन वो बॉडी कैविटी अलग होती है और ये जो सिलोम की बात हम कर रहे हैं वो एक अलग चीज है। चलिए नेक्स्ट, इनर बॉडी, अंदर की बॉडी कैसी है उसकी? एपिडर्मिस भारी लेयर हम पढ़ चुके हैं, गैस्ट्रोडर्मिस या एंडोडर्मिस और बीच में मीजोगिलिया, ठीक है। इसके अंदर हम इसके की फीचर्स को पढ़ेंगे, टेंटिकल्स, ये सारे टेंटिकल्स हैं, पॉलिप और मेडूसा फॉर्म है, ये सब टेंटिकल्स है। यहां पर ये इसका माउथ है, ये इसका माउथ है, इस तरह से ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। ये इसकी कैविटी है, इस कैविटी को क्या कहते हैं? इस कैविटी को हम कहते हैं गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी, जो ये अंदर का स्पेस है, ठीक है। और ये वाला स्पेस जो हम कह सकते हैं इसको क्या कहते हैं? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, क्योंकि क्योंकि जो फूड है वो माउथ के थ्रू यहीं आता है, तो जो डाइजेशन है वो यही होती है। गैस्ट्रो वर्ड हमारा डाइजेशन के लिए यूज होता है, आपको पता है, गैस्ट्रिक वर्ड स्टमक के लिए यूज होता है ना, ठीक है, समझ में आ रही है। और वैस्कुलर का मतलब है कि हमारा जो वेसल का काम करता है, ट्रांसपोर्ट का, सर्कुलेशन का काम करता है। अब यहां कोई ब्लड वेसल्स या ट्रांसपोर्ट का सिस्टम तो है नहीं, जो वाटर के थ्रू आता है वहीं से हमारा ये सारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, इसीलिए इस कैविटी को क्या नाम कहा गया है? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रो के लोग नहीं, अकेला नहीं कहा गया है, वेस्कुलर भी साथ में कहा गया है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट का काम भी करता है, वाटर करंट के थ्रू ही, वाटर के थ्रू ही इसके अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, सर्कुलेशन होता है। समझ में आ गई है? कोई डाउट? हाँ जी, चले नेक्स्ट। चलिए चलो, यहां थोड़ा सा हमें सेल्स के बारे में बताया गया है कि किस किस टाइप की सेल्स हैं। ये हमें एक्टोडर्म और ये है एंडोडर्म, और इनके बीच में है मीजोगिलिया,
या एक्टोडर्म कह लीजिए, या एपिडर्मिस कह लीजिए, एंडोडर्म कह लीजिए, या गैस्ट्रोडर्मिस कह लीजिए। यहाँ पर ये सेल्स हैं और इसके अंदर एक की फीचर और है हमारे पास, नाइडोब्लास्ट्स। ये देखिए, यहां आपको हमारे नाइडोब्लास्ट, निमेटोब्लास्ट्स, निमेटोब्लास्ट कह लीजिए, नाइडोब्लास्ट कह लीजिए, निमेटोसिस्ट, ये जो सेल है ये इस फाइलम का की फीचर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है नाइडोब्लास्ट। इस नाइडोब्लास्ट सेल की वजह से ही इसका नाम नाइडेरियंस पड़ा है। क्या पड़ा है? नाइडेरियंस। नाइडोब्लास्ट सेल होती है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है। यहां अब आपको दिखाते हैं, ये दोनों ही नाइडोब्लास्ट है। ये क्या है? ये कौन सा नाइडोब्लास्ट है? जब इसके अंदर से टेंटिकल्स का थ्रेड का डिस्चार्ज नहीं हुआ है, ये भी नाइडोब्लास्ट है। और ये जो वो फॉर्म है, वो शेप है, जब नाइडोब्लास्ट के अंदर से थ्रेड का डिस्चार्ज हो चुका है। दोनों ही एक ही फॉर्म है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। यहां एक पोटली है, ये बड़ी वाली आपको दिखाई दे रही है, या ये चीज आप कह सकते हैं, इस पोटली को क्या कहते हैं, इस सेल के अंदर एक थैली है जिसको निमेटोसिस्ट कहा गया है। इसके अंदर क्या भरा हुआ होता है? पॉइजन भरा हुआ होता है। क्या भरा हुआ है? पॉइजन। ठीक है, अगर क्या काम करता है, क्या काम करता है नाइडोब्लास्ट जो है, वो है इसकी प्रोटेक्शन में, डिफेंस में काम करता है। कोई भी दूसरा ऑर्गेनिज्म यहां पर इसको टच करता है, मान लीजिए इसके पास आता है, तो क्या करता है, ये जो थ्रेड अंदर इसका कॉइल्ड फॉर्म में पड़ा है, कॉइल्ड थ्रेड ट्यूब पड़ी है, ये इसकी डिस्चार्ज हो जाती है, बाहर आ जाती है, और साथ ही साथ उस प्रे के साथ उस अदर ऑर्गेनिज्म को कोइल कर लेती है, या उसको डंक मार देती है, जिससे कि उसके अंदर पॉइजन चला जाता है। ये क्या काम करती है? चलिए एनसीईआरटी में देखते हैं क्या कहा गया है इसके बारे में। ये देखिए, द नेम नाइडेरिया इज ड्राइव्ड फ्रॉम, कहां से ड्राइव हुआ है? नाइडोब्लास्ट, नाइडोसिस्ट, इस वर्ड, इस सेल की वजह से इस फाइलम का नाम रखा गया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, जब पूरे फाइलम का नाम एक नाइडोब्लास्ट सेल की वजह से रखा गया है, ये कितना इंपॉर्टेंट है। क्या करती है? इनके अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल्स होते हैं या निमेटोसिस्ट होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, टेंटिकल्स पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं और पूरी बॉडी पर भी। जो इसके टेंटिकल्स हैं, यानी कि जो इसका की फीचर हमने आपको बताया, टेंटिकल्स जो निकले हुए होते हैं इस तरह से, वहां पर भी प्रेजेंट होते हैं और इसकी पूरी बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं। क्या काम करते हैं? वर्क बहुत जरूरी है, डिफेंस में, कैप्चर ऑफ प्रे में काम करते हैं। नाइटोब्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, की फीचर है, इसीलिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है। समझिए कि ये देखिए, यहां पर इसका डायग्राम दिखाया गया है नाइटोब्लास्ट का। ये एक टाइप की सेल है, ये इसका न्यूक्लियस रहा, ये साइटोप्लाज्म है, यहां निमेटोसिस्ट है। दो या तीन टाइप की है, लेकिन आपको इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। हर एक सेल का अलग टाइप का फंक्शन है। कुछ जो होते हैं, ये जो थ्रेड है कुछ में, वो पॉइजन रिलीज करता है, पॉइजन डालता है। कुछ
प्रे को पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं इस तरह से, जैसे इसके ऊपर से धागा रोल कर लेते हैं ना, ये अपना थ्रेड रोल करके उस प्रे को पकड़ लेते हैं और माउथ में ले आते हैं। ठीक है, कुछ का अलग फंक्शन है, लेकिन हमें इतनी डिटेल में नहीं जाना है कि कितने टाइप की नाइडोब्लास्ट हैं। हमें बस उसका बेसिक फंक्शन पता हुआ होना चाहिए कि नाइडोब्लास्ट जो है वो हमारा डिफेंस में और प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करता है, एंकरेज करने में, किसी चीज को पकड़ने में भी हेल्प करता है। समझ में आ रही है? चले नेक्स्ट। चलिए, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम है? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है कि जो माउथ से तो हमारे पास फूड एंटर कर रहा है, लेकिन यहां एंटर करने के बाद कोई भी एग्जिट के लिए ओपनिंग नहीं है। ठीक है, और जो डाइजेशन है उसके बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है कि डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर भी है और इंट्रा सेलुलर भी है। जैसे कि आपने पोरीफेरा में पढ़ा था, जो डाइजेशन था वो केवल इंट्रा सेलुलर था, लेकिन यहां पार्शली डाइजेस्ट होता है। यानी कि चलिए वापस चलते हैं, जो ये कैविटी है, इस कैविटी के अंदर जो फूड है, यहाँ जो सेल्स हैं गैस्ट्रोडर्मिस में या एंडोडर्मिस में आप कह सकते हैं, वो सेल्स कुछ एंजाइम्स रिलीज करती है और इस फूड को डाइजेस्ट करने की कोशिश करती हैं। कुछ हद तक तो वो फूड डाइजेस्ट हो जाता है, बाकी फूड्स सेल द्वारा अब्जॉर्ब भी कर लिया जाता है और उसका डाइजेशन जो है वो कैसा होता है, इंट्रा सेलुलर, यानी कि सेल के अंदर। तो डाइजेशन के बारे में हमें दो चीजों का पता चला, इनकम्प्लीट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर, दोनों टाइप का डाइजेशन यहां पर प्रेजेंट है नाइडेरियंस के अंदर। चले नेक्स्ट, रेस्पिरेशन कैसा होता है? रेस्पिरेशन वही बॉडी सरफेस से, कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, कोई लंग्स नहीं है, कोई गिल्स नहीं है यहां पर कि इनके अंदर रेस्पिरेशन हो। गैस का एक्सचेंज जो है बॉडी सरफेस के द्वारा, और साथ में डिफ्यूजन, जो वर्ड है याद रखेंगे आप, डिफ्यूजन के द्वारा रेस्पिरेशन हो रहा है। चलिए, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का भी वही है, बॉडी सरफेस है, जो वाटर अंदर आ रहा है उसके द्वारा भी एक्सक्रीशन हो रहा है, वेस्ट बाहर जा रहा है। जो इसके अंदर वेस्ट है वो कौन सा होता है? अमोनिया, जैसे कि पोरीफेरा में था कि वेस्ट जो है वो भी हमें अमोनिया है, और यहां पर भी वेस्ट जो है, जो इनकी सेल्स वेस्ट निकालती है वो होता है अमोनिया, यानी कि अमोनियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमारे नाइडेरियंस। समझ में आ गई? चलें आगे। चलिए, स्केलेटन सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे नाइडेरियंस जो हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं कॉलोनी के फॉर्म में, उनको क्या कहते हैं, कोरल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरल्स। ठीक है, और वो अपने ऊपर, ये देखिए, ये सब है, ये जो लेयर हैं ये आपको दिखाई दे रही,
ये जो है ये अपने ऊपर एक कवरिंग बना लेते हैं, एक्सोस्केलेटन जिसको हम बोल सकते हैं। ये किस चीज़ की बनी हुई होती है? ये कैल्शियम की बनी हुई होती है। एनसीईआरटी हमारे क्या कहती है इसके बारे में देखिए। कोरल्स हैव स्केल्टन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कोरल्स वो नाइडेरियंस हैं जो क्लोनीज के रूप में रहते हैं, और वो इतना इकट्ठे होकर के रहते हैं कि उनके ऊपर एक स्केल्टन कंपोज्ड हो जाता है। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, कवरिंग प्रोटेक्शन के लिए कह सकते हैं, काफ़ी चीज़ों हैं, प्रे से प्रोटेक्शन है या एनवायरमेंटल से प्रोटेक्शन है, जो भी वाटर करंट है उससे भी इनको प्रोटेक्शन मिलती है कैल्शियम कार्बोनेट से। स्केल्टन समझ में आ गई है आपको? चलें आगे। चलिए, सर्कुलेशन का हम बता चुके हैं कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवेस्कुलर यानी कि जो इसके अंदर सर्कुलेशन होता है वो वाटर के थ्रू ही होता है, कोई अलग से ब्लड या सीरम या कुछ इस टाइप से कुछ भी नहीं मिलता है, अलग से कोई सेल नहीं होती है, यहाँ पर कोई भी वेसल्स नहीं होती है। जो भी फूड मटेरियल है या एंजाइम्स है जिनका सर्कुलेशन होना है वो वाटर के थ्रू ही होता है। नर्वस सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइम जो एनिमल्स हैं वहां पर नर्वस सिस्टम कहाँ डेवलप होना स्टार्ट हुआ? नाइडेरियंस के अंदर। यहां नर्व सेल्स प्रेजेंट होती हैं। प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, ये चीज याद रखना है। पोरीफेरा से डेवलप्ड हो चुका है, पोरीफेरा के पास, स्पॉन्जिस के पास जो है वो नर्व सेल्स नहीं थी। उसको कोई भी टच कर लो, कोई भी कुछ कर लो, उसको महसूस ही नहीं होता है। लेकिन इनको जैसे ही टच करते हैं तो नाइडोब्लास्ट से ये सांप की तरह थ्रेड को बाहर निकालते हैं और उसको डस लेते हैं, जहर छोड़ देते हैं उसके अंदर। किस वजह से उनको पता चलता है? क्योंकि यहां पर नर्व सेल्स हैं उनके पास, जिसकी वजह से उनको पता चलता है कि उनके पास आसपास जो है कोई ना कोई प्रे है, कोई भी अदर एनिमल है जिसको वो फूड की तरह यूज कर सकते हैं, जिनसे वो अपने प्रोटेक्शन करना चाहते हैं। तो वो किस वजह से? क्योंकि नाइडेरियंस जो हैं उनके पास नर्व सेल्स है, और जैसे ही नर्व सेल्स को इंफॉर्मेशन मिलती है वो नाइडोब्लास्ट को इंफॉर्मेशन देते हैं, और वो जो है उसके अंदर से थ्रेड निकल करके, पॉइजन निकल करके प्रे पर अटैक करता है। समझ में आ गई? चलिए, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कहाँ होता है? पॉलिप्स में होता है, पॉलिप्स के अंदर होता है। और किस मेथड से होता है? बडिंग के द्वारा। ठीक है, बडिंग के द्वारा जो है वो क्या होता है? ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है। देखिए अभी आपको दिखाते हैं। ये जो हाइड्रा है, इस हाइड्रा में यहां पर ये बड निकल करके दूसरा हाइड्रा डेवलप हो रहा है। ये सब जो मेथड है, ये मेथड जो है वो क्या कहलाता है? बडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? बडिंग। ये पॉलीफोम है ना, आपको पता है, तो पॉलीफोम के अंदर जो है हमारा एसेक्सुअल मेथड जो है वो क्या है? बडिंग। बडिंग के द्वारा
बडिंग के द्वारा क्या होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है पॉलिप में। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है मेडुसा के द्वारा शो किया जाता है। ठीक है, और यहां एक की फीचर है इस बात में इसका, मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस क्या होता है? मेटाजेनेसिस एक बार एनसीईआरटी पर चलते हैं, वहां क्या दे रखा है वो पढ़ते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है। दोज नाइडेरियंस विच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म, अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, जिसको कि मेटाजेनेसिस कहा गया है। क्या कहा गया है? मेटाजेनेसिस, ये कीवर्ड है, इसको अपनी अपनी एनसीईआरटी के अंदर क्या कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटाजेनेसिस जो है वो क्या है, कुछ ऐसे क्नाइडेरियंस हैं जो दोनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कभी पॉलिप हो जाते हैं यानी कि सिलेंडर लाइक हो जाते हैं, और कभी वो मेडुसा फॉर्म में आ जाते हैं, कभी वो अम्ब्रेला शेप गेन कर लेते हैं, यानी कि कभी तो वो जब अपने उनको रिप्रोडक्शन करनी है तो वो पॉलिप फॉर्म में आ जाते हैं, और जब उनको फ्री स्विम करना है, मूव करना है, तो वो मेडुसा फॉर्म में आ जाते हैं। पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा, देखिए पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली। पॉलिप क्या बना रहा है? मेडुसा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। और जो मेडुसा है, मेडुसा फॉर्म पॉलिप सेक्सुअली, एग्जांपल ओबिलिया। अब इसको समझाते हैं हम आपको क्या हो रहा है मेटाजेनेसिस में। जो पॉलिप है, जो पॉलिप है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके क्या बना रहा है, मेडुसा। ऐसा नहीं है कि हर बार वो मेडुसा ही बनाएगा। ओबिलिया एग्जांपल दिया है, ओबिलिया कुछ नाइडेरियंस ऐसे हैं जो पॉलिप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेडुसा बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो पॉलिप नहीं बनाएंगे, पॉलिप भी बनाएंगे, ऐसा कुछ उनमें से मेडुसा फॉर्म में आ जाएंगे। और अब ये मेडुसा जो है, ये मेडुसा क्या बनाएगा, पॉलिप बनाएगा, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनके पास गैमेट्स होते हैं, वो रिलीज करते हैं गैमेट्स। गैमेट्स जो है फॉर्म क्या करते हैं, जायगोट फॉर्म करते हैं आपस में फ्यूज होकर के। जायगोट से क्या बनता है, लार्वा। लार्वा फॉर्म होता है, और लार्वा से फिर वो पॉलिप फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो चीज है इसको ही मेटाजेनेसिस कहा गया है, और इंपॉर्टेंट चीज है। आपसे ये पूछा जा सकता है ऑप्शन में कि मेटाजेनेसिस कौन से फाइलम में शो किया जाता है, या मेटाजेनेसिस जो है वो किस ऑर्गेनिज्म में है। एग्जांपल में हमें ओबिलिया दिया हो सकता है, एग्जांपल याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, एग्जांपल आपको याद रखना बहुत जरूरी है। रिप्रोडक्शन आपको समझ में आ गया है? कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो पूछना है।
ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉलिप में होती है, वो क्या करता है, वो क्या करता है, बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन करता है, पॉलिप बनाता है। कुछ पॉलिप ऐसे होते हैं जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेडूसा बनाते हैं। अब वही मेडूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके और उसकी जो डेवलपमेंट है वो करके लार्वा स्टेज से पॉलिप बन जाता है। वो कहां पर है? ओबिलिया एग्जाम्पल याद रखना है। समझ में आ रही है? यहां इसके की फीचर काफी है, इसीलिए तो इसके अंदर से क्वेश्चन बनता है। बॉडी फॉर्म, बॉडी फॉर्म इनका की फीचर है, पॉलिप और मेडूसा। सबसे पहले इनका की फीचर है नाइडोब्लास्ट्स, जो इनके अंदर सेल होती है, ठीक है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इनका की फीचर है, और साथ ही साथ जो मेटाजेनेसिस है ये इसका की फीचर है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछने को सिंपल क्वेश्चन कहीं से भी बना सकते हैं, लेकिन जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है वो काफी बार यहीं से बनते हैं। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन भी थोड़ा सा याद कर लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नहीं बने हुए हैं, लेकिन कई बार आपसे क्वेश्चन एम्स टाइप्स में पूछे जा सकते हैं। एम्स में कि जो नाइडेरियंस हैं उनकी कितनी क्लासेस हैं? तीन क्लासेस हैं, हाइड्रोजोवा, स्काइफोजोवा, एंथोजोवा, ठीक है। नाम याद रख लीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तक नहीं आया है, आ सकता है, आने को मना नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बच्चे याद करना चाहें वो याद कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल फाइसेलिया, फाइसेलिया एग्जाम्पल ये इस तरह से है, अम्ब्रेला लाइक है, तो आपको समझ में आ गया मेडूसा फॉर्म है। इसके ये टेंटिकल्स यहां पर लटके हुए हैं। इसको कॉमन नेम देखिए क्या है, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। ये जो टेंटिकल्स है ना, इसके बहुत पॉइजनस होते हैं, जो भी आदमी इसके पास जाता है उसको डस लेते हैं, ठीक है, पॉइजन उसके अंदर डाल देते हैं। वैसे तो डसते तो सभी को हैं, पता नहीं मैन ऑफ वॉर क्यों कहा गया है इसका, लेकिन कॉमन नेम भी आपको याद रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है फाइसेलिया पोर्टुगस मैन ऑफ वॉर, ये इसका इमेज है। अब दूसरा पेंटुला, पेंटुला जिसको कि सी पेन कहा गया है, समुद्री पेन क्यों कहा गया है, ये इसकी एक इमेज है। ये देखिए, जैसे पहले पहले जो लोग लिखते थे, पुराने जो कलम होती थी आपने देखा होगा, उसको डुबो कर उसके पीछे एक पंख जैसा कुछ लगा होता था, उस टाइप से ये हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको सी पेन भी कहा गया है। पेनटुला नाम जो है इसका साइंटिफिक नेम है, और कॉमन नेम है सी पेन। एडम्सिया, सी एनिमोनी, कितना प्यारा सा लग रहा है, लेकिन ये जो इसके टेंटिकल्स हैं भाई, इनसे बच के रहना पड़ता है, ये बहुत ही पॉइजनस है। एक फ्लावर सा लग रहा है ना आप लोगों को, ये सी एनिमनी, लेकिन बहुत खतरनाक है, ठीक है। एडम्सिया याद रखेंगे, मी एंड्रेना ब्रेन कोरल, कोरल है तो इसके ऊपर ये जो आपको दिखाई दे रहा है एक्सोस्केलेटन, ये किसका बना हुआ है? एक्सोस्केलेटन हमारा अभी हमने पढ़ा था कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। इस ये देखिए, इसको ब्रेन कोरल क्यों कहा गया है, ये हमारा ब्रेन जो सेरिब्रम है उसकी तरह दिखाई दे रहा है। जैसे हमारा ब्रेन की स्ट्रक्चर आपने देखी होगी ना,
तो उस तरह से ये हमें शो किया गया है, इसलिए इसको ब्रेन कोरल कहा गया है। इसका साइंटिफिक नेम भी याद रखना है, एम्स में इसमें से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखेंगे, मी एंड्रीना नाम है इसका। चले नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल कोई भी नहीं छोड़ना है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओबिलिया, ओबिलिया, ओबिलिया में क्या था, हमने पढ़ा है अभी। ओबिलिया में मेटाजेनेसिस शो करता है ओबिलिया, यानी कि पॉली फॉर्म से मेडूसा फॉर्म फॉर्म होएगी एसेक्सुअली, और मेडूसा से वापस पॉली बन जाएगा सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के द्वारा। मेटाजेनेसिस शो करता है ओबिलिया, ये इसका डायग्राम है। गोरगोनिया, सी फैन, समुद्री पंखा, काफी सारे बच्चों ने जो गांव में रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं या छोटे टाउन में रहते हैं जहां पर काफी बार लाइट की प्रॉब्लम है, तो आपने देखा होगा ना हाथ वाला पंखा ऐसे ऐसे करते हैं, या काफी जो चाइनीज लड़कियां होती हैं पुराने जमाने में दिखाया गया है वो इस तरह का पंखा यूज करती है, इसलिए इसका नाम सी फैन भी रखा गया है। इसकी जो स्ट्रक्चर है, इमेज है, वो एक फैन जैसी लगती है। गोरगोनिया इसका साइंटिफिक नेम है। ऑरेलिया, जेली फिश, कौन सी फॉर्म है, मेडूसा फॉर्म है। एग्जाम्पल याद रखेंगे ना मेडूसा फॉर्म का, ऑरेलिया। चलिए अभी हमारी एनसीईआरटी में कुछ रहा तो नहीं है, हमने सारा कर चुके हैं इसके बारे में। एक एक वर्ड यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को समझा देते हैं इस लाइनिंग को। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है ये बता चुके हैं, सिंगल ओपनिंग माउथ। हाइपोस्टोम को लेकर के कुछ बच्चों को डाउट होता है कि सर ये हाइपोस्टोम क्या चीज है। हाइपोस्टोम कुछ नहीं है, एक पार्ट है जहां पर माउथ सिचुएट माउथ होता है, बस आपको कुछ भी याद रखना नहीं है हाइपोस्टोम के बारे में। बॉडी में एक पार्ट, बॉडी का एक स्थान है, पार्ट है जहां पर माउथ सिचुएटेड होता है। समझ में आ गई है, कुछ भी नहीं है। और कोई चीज हम भूल रहे हो तो एनसीईआरटी में से एग्जाम्पल हमने सारे कर लिए हैं, बल्कि ऐसा नहीं है कि यही एग्जाम्पल याद रखने हैं, जैसे कि ओरेलिया, जेलीफिश यहां नहीं है, इसमें नहीं है ओबेलिया, ये एग्जाम्पल्स भी आपको इसमें इंक्लूड करने हैं, या ये एग्जाम्पल्स यहां लिख लीजिए साथ के साथ, ताकि आपको कोई भी मिस्टेक ना हो, गलती ना हो जब भी आप एग्जाम की तैयारी करें। आई होप सबको समझ में आ गया है, कोई भी डाउट हो तो पूछने में हेजिटेट नहीं करना है। आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो बच्चे हमें फॉलो करना चाहते हैं वो फेसबुक अकाउंट पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हमारी फ्री PDFs भी मिलती रहेंगी, और कोई भी नई इन्फॉर्मेशन होगी हमारे इंटरव्यू लेक्चर्स के बारे में वो भी आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। साथ ही साथ YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्री वीडियोस भी आपको मिलते रहे, नीट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो भी आपको यहीं पर मिल जाएगी। ठीक है, अपना ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ना है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है और कंफ्यूज नहीं होना है। थैंक यू वेरी मच।